अभी तक आपने देखा कि कैसे जिनी को सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखता है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक मोबाइल सिम होती है। जिनी उसे अपने पास रख लेती है। घर पहुंच के जिनी को शरारत सूझती है और वो सिम अपने मोबाइल में डाल लेती है। फिर वो पहले आवाज बदल के पापा को तंग करती है और फिर मम्मी को ध्वनि के किडनैपिंग की धमकी देती है। मम्मी डर जाती है और पापा से इस अननोन कॉलर का पता लगाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद सब मिलकर खेल रहे होते हैं, तभी पापा के पास पुलिस का फोन आता है और वो अननोन कॉलर की लोकेशन उन्हीं का घर बताते हैं। जिनी डर जाती है और पापा मम्मी को बता देती है कि ये सब उसी की शरारत थी। जिनी माफी मांगती है और दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए वादा करती है। तभी पापा के पास दोबारा फोन आता है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। कबीरा स्पीकिंग। कुछ महीनों बाद कबीरा स्पीकिंग। कौन कबीरा अंकल बेटा? कबीरा स्पीकिंग। हाँ बेटा, बेटा ये कबीरा तो फिर से आ गया। अरे कबीरा अंकल कुछ कहते क्या है, बस एक ही चीज बोलते हैं, कबीरा स्पीकिंग। चल बेटा जल्दी से रोज वाटर बना लेते हैं, तू पानी निकाल, मैं चीनी निकालती हूँ। ये डाला हमने पानी, चीनी के लिए स्पून भी निकालते रहो। कितने दिन बाद पिएंगे ठंडा ठंडा रोज वाटर। डाला हमने रोज वाटर। हेलो कबीरा स्पीकिंग। क्या मम्मी क्या हो गया? मम्मी वो फिर से आ गया। कौन आ गया? फिर से आ गया। अरे कौन आ गया? अरे वो फिर से आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? फिर से आ गया उसका फोन। अरे किसका फोन आ गया? कबीरा स्पीकिंग। तो तुम्हारे पास भी आ गया? इसके दिमाग में क्या कीड़ा उठ गया जो उसने फिर से फोन मिला दिया? अरे इतने महीनों बाद कैसे हो गया? पता नहीं। अरे होगा जिनी का कांड। पापा मैं तो हमेशा मम्मी के साथ जिनी की बताऊंगी। मुझे तो जिनी का ही लग रहा है लेकिन। अरे मैं मम्मी के साथ थी, मैं तो रोज वाटर बना रही थी। अरे होगी तेरी कोई फ्रेंड वगैरह जिसके साथ मिलकर तू प्रैंक कर रही होगी। क्या बात कर रहे हो पापा? और क्या, मैं तो ऐसी बात करता हूँ। जिनी मैं बता रही हूँ, अगर ये कोई प्रैंक हुआ ना या तेरी कोई भी साजिश निकली, मैं सीधा जेल भेज दूंगी पुलिस को बुला के। मम्मी आप खुद बताओ मैं आपके साथ थी या नहीं थी? तू तो साथ में थी, वो तो मैं भी देख रहा था यहीं से। लेकिन ना तेरे भी प्रैंक कम नहीं है, मम्मी के बर्थडे पे देखा था ना क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। पर ये कॉल कर कौन रहा है? कौन आ गया? देखो मुझे तो जिनी पे शक है। पर ये तो बहुत देर से मेरे साथ थी, कैसे कर सकती है? अब क्या करना है? अरे क्यों टेंशन ले रही हो, एक ही बार तो कॉल आया, क्या पता वैसे ही किसी ने कोई गलती से कॉल कर दिया और हम इसको उस बात से रिलेट कर रहे हो। छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। पता नहीं। अरे मम्मी कहाँ जा रही हो? मेरी फोन डर लग रहा है। अरे ध्वनि मैं वॉशरूम भी ना जाऊंगी। कितना मजा आ रहा है ना खेलने में? बहुत। हाँ चलो मेरी टर्न है। मेरी है। हाँ ठीक है, चलो तेरी है। चल दूं ये। अरे बाबा किस सोच में डूब गए उनों के चैलेंज में। हाँ क्या हुआ? क्या हो गया पापा आपको? जिनी मैं ये सोच रहा था कि ये कबीरा है कौन, जो समझ में ही नहीं आ रहा जब तू भी मम्मी के साथ किचन में ही थी तो फिर फोन किसने किया? हाँ पापा ये भी है। वो भी बात है। देखो अब क्या हुआ? कबीरा स्पीकिंग। हाँ ये कौन है जो बार बार SMS में भी लिख रहा है कबीरा स्पीकिंग? इसका तो कुछ देखना पड़ेगा। हाँ
एसएमएस में भी? एसएमएस में भी। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या मैं। अब तो रातों की नींद फिर उड़ गई है, फिर से आ गया कबीरा स्पीकिंग। अरे है कौन? मुझे क्या मालूम कौन है। जिन्हें तेरी कोई हरकत तो नहीं है। मम्मी मेरी हरकत क्यों होगी जब मैं पापा के साथ अभी ऊनो खेल रही थी। अभी ये देखो मेरे साथ ऊनो खेल रही है, और तुम देख लो ऊपर जब आया तुम्हारे पास कॉल तब ये रसोई में तुम्हारे साथ थी। अरे ये सब छोड़ो अभी तुम, पहले हम ये वाली गेम करते हैं कंप्लीट। खेलने की लगी हुई है यहाँ पे, वैसे दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अरे किसका फोन आ रहा है? कबीरा स्पीकिंग। क्या? कबीरा स्पीकिंग। अरे तुम्हें सर दो ही शब्द आते हैं क्या बोलने? और तुम क्यों परेशान करे जा रहे हो हमें? अरे कबीरा अंकल एक बार में जो बोलना है साफ साफ बोल दो ना, बार बार क्यों फोन करके कबीरा स्पीकिंग बोल के फोन कट करके देते हो। फिर काट दिया। उसको करना ही पड़ेगा इसका। और उसको सिर्फ दो वर्ड बोलने आते कबीरा स्पीकिंग। दिमाग खराब कर दिया, कुछ कर लो, कुछ सोच लो। अरे मम्मी क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन की तो बात ही है ना जिनी दुआनी, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा और बुद्धि से काम लो। अब कोई मजाक वाली चीज नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करो। पापा ही सोचेंगे कुछ। हाँ वो तो मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि तुम्हारे पास तो है नहीं, तो बुद्धि का प्रयोग तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ भी मजाक सोच रहा है ना, इसमें मजाक वाली क्या बात है? सोचो। और तू भी कुछ सोच ले। बड़ा कबीरा अंकल करके बात कर रही थी ना, जैसे अंकल चिप्स बट रहे उनके साथ तेरे। सोच लिया क्या? मैं क्या करता हूँ पुलिस में फोन करके ना जितने भी नंबरों से हमारे पास कॉल है उनको ट्रेस करवा लेता हूँ। हाँ सही कह रहे हो आप, सारी ना इन्फॉर्मेशन निकल आएगी किस नंबर से फोन और मैसेज आ रहा है। अभी जाता हूँ और पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ जाओ जाओ। अरे एसएमएस अगर किसी से जरा भी होशियारी दिखाई या पुलिस को ये घटना की इन्फॉर्मेशन दी तो एक एक करके घर के सारे सदस्य लापता होते जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास भी मैसेज आया है। ये कबीरा स्पीकिंग ने तो जान खा ली। अब कौन आ गया कबीरा? धमकी भरे सेम एसएमएस सबको भेजा रहा है। हाँ। पापा ये तो साइको लगता है, साइको किसी के साथ मजाक कर रहा है। ये मजाक वजाक कुछ नहीं, अब तो वाकई में डर लग रहा है। अरे पापा ये कबीरा अंकल हम सबको ही मैसेज क्यों कर रहे हैं? एक को कर दे एक रिक कर लेगा। बताओ ध्वनि शांत हो जा, हमारा तो सर में दर्द हो गया। तुझे इसमें भी मजाक सूझ रहा है ध्वनि? तुझे उसकी बिल की पड़ी हुई है और हमारी यहाँ पे तो जान निकली जा रही है उसका क्या? अब तो पता ही लगाना पड़ेगा है कौन, और डरा और दिया धमकी दे के। पापा एसएमएस में लिखा हुआ था कि पुलिस को कोई खबर नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो घर के सदस्य गायब हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा बेटा तो टेंशन मत ले, और ऐसा ना फटाफट खाना बनाओ, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि ना भूखे पेट मेरे से तो काम हो नहीं सकता, ना मैं कुछ सोच सकता इस बारे में। बताओ घर पे इतना मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है और इन नवाब जादों को खाने की लगी हुई है। अरे जब खाली पेट मेरे से दिमाग नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा ना, फटाफट से जाओ। जा रही हूँ। अब फिर से उसी को होगा। अरे क्यों परेशान करे जा रहे हो हमें फोन कर करके? जो भी चाहिए साफ साफ बता दो ना, क्यों धमकी दिए जा रहे हो हमें? अरे मम्मी जी मम्मी सॉरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान थी वो ना, सॉरी मम्मी जी। हाँ मैं अभी करती हूँ आपको, शाम तक फोन करती हूँ। अच्छा मूड नंबर तो देख लिया करो कि किसका फोन है। दिमाग चल रहा है मेरा? तुम्हारा तो दिमाग ही चला हुआ है पूरा। सच में चला हुआ है मेरा दिमाग ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब किसका हो आ गया फोन? मम्मी मत उठाओ कबीरा स्पीकिंग का होगा। सही कह रही है, मैं नहीं उठा रही। फिर से आ रहा है फोन। हेलो। हेलो मैडम नमस्कार, मैं स्पेशल साइबर फोर्स से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी मैं बिजी थी थोड़ा ना। मैडम हम फ्रॉड कॉल से जुड़े केसेस की जांच करते हैं, अगर आपके फ़ोन पर किसी की धमकी भरे कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं तो हमारी टीम अच्छी से इंक्वायरी करके उस क्रिमिनल तक पहुंच सकती है। क्या सच में आज सुबह से ही हमें कोई परेशान कर रहा है? प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए ना। घबराइए नहीं मैडम, हम आपकी मदद कर सकते हैं। सच में? कुछ नहीं मैडम, बस जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है वो नंबर आप मुझे टेक्स्ट कर दें, उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमें आसानी होगी, और मैं अपनी बैंक डिटेल्स आपको सेंड कर रहा हूँ, उसमें आप 1,00,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दें। 1,00,000 क्या, मैं तो 2-4 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ, पर हमें इस मुसीबत से आप बचा लो प्लीज। घबराइए नहीं मैडम, हम इस तरह की समस्याओं में ही डील करते हैं,
दो दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बस आप 1,00,000 रुपया जल्दी से ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है आप मुझे अपनी बैंक डिटेल भेजिए, मैं भी ट्रांसफर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया। मिल गई सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन मिल गया? अरे किसी ना स्पेशल साइबर फोर्स का कॉल आया था मेरे पास, वो बहुत बड़ी टीम है, वो कह रही है आजकल ना लोगों को सब परेशान कर रहे हैं, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। मम्मा तो फिर आपका बिरानकल हमें गाइड नहीं कर सकते? नहीं बेटा, बस मुझे ना 1,00,000 रुपए उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं और कुछ नहीं करना। हाँ मम्मी जल्दी से कर लो, जान है तो जहान है। हाँ बेटा मैं जल्दी से 1,00,000 रुपए ना उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ, जिससे हमारी जान बच जाए और ये कबीरा का झमेला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है ध्वनि? ठीक है मम्मी। थोड़ा दिमाग दिमाग है या नहीं है तुम्हारे पास? क्यों, क्या दिमाग नहीं है मेरे ये पास? ये भी ना नया कोई फ्रॉड ही है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? अरे एक बात बताओ, हमारे घर में क्या चल रहा है इसको कैसे पता? जब हम कहीं बाहर ही नहीं गए, हमने किसी को कंप्लेंट ही नहीं करी, चार दीवारियों के अंदर हमारी बात चल रही है। ये सिर्फ हम चारों को ही तो पता थी ना बात। पापा आपको हमारी जान प्यारी नहीं है, पैसों के लिए कबीरा अंकल के लिए चिंता कर रहे हो। अरे पैसों की क्या बात है, तुम्हारे लिए तो मैं 1,00,000 या 1,00,000 रुपए खरीद दूं, लेकिन बेटा ये तो फ्रॉड है फ्रॉड। और तू कबीरा अंकल बोलता है, तेरे मामा है क्या कबीरा? नहीं मामा को पहले बीच में ले आओ, मामा ने जैसे भैंस खोल रखी हो ना। भैंसों का काम है मामा का? पता नहीं किसका काम है, पहले कबीरा अंकल से निमट ले। कबीरा अंकल आ गई, लो बैंक की डिटेल भी आ गई उसकी। पापा लगता है कि कबीरा अंकल पहले सीबीआई में थे। अरे तुमने सीआईडी सीरियल देख देख के तो अपने दिमाग में सीबीआई और सीआईडी देख रखा है, और इसने जरा मेरे को जरा बैंक डिटेल दो जरा। क्या करोगे, कई 1,00,000 रुपए देने का तो नहीं सोच रहे? अरे तुम भी कैसी बात सोच रही हो, दो जरा। करोगे क्या ये तो बता दो। अरे कुछ नहीं, ये वाली जो बैंक डिटेल है और जिस नंबर से हमें कॉल आ रहा है, एसएमएस आ रहा है, वो मैं असली साइबर सेल में दूंगा ताकि पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले। उससे हमारे परिवार को खतरा तो नहीं है? और क्या पापा, आपने एसएमएस नहीं पढ़ा कि कोई भी अगर पुलिस वगैरह को कोई भी खबर हो तो घर के सदस्य गायब हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे। पापा कहीं मैं लापता ना हो जाऊं, फिर मैं ध्वनि के साथ कैसे खोलूंगी, आप खुद ही बताओ। तू चुप कर। सही कह रही है वो, तू चुप कर, इतना भी नहीं डरते। जिनी हमें ना ये सारी चीजें ना पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए पुलिस को जानकारी देना बहुत जरूरी है, और तभी हमने सिटीजन की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीज छुपाएंगे तो भी इस तरीके के स्कैम्स और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके पापा। और ना इसकी मैं तफ्तीश कराऊंगा बिल्कुल ऊपर तक। अरे अभी किसका फोन आ गया? कबीरा स्पीकिंग। हाँ पुलिस स्पीकिंग, क्या चाहिए तुम्हें? एक पेटी। पेटी? अरे पेटियां तो बहुत रखी है मेरे पास। एक पेटी मतलब 1,00,000। 1,00,000? अरे वो तो बहुत ज्यादा है, 500 से काम नहीं चलेगा। काट दिया फोन। फिर उसी का था। कहाँ जा रहे हो? बच्चों हम आपके बिना नहीं रह सकते। अरे मैं पुलिस को कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। अरे ध्यान से जाना, संभल के। हमें डर लग रहा है अकेले। किसी का दरवाजा मत खोलना बस तुम। ठीक है। अरे हाँ साजिदा है। कितनी सही मूवी है। हाँ अरे कॉमेडी मूवीज का मजा ही अलग है। देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई बनाई है। ला 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 ला। अरे क्या केस सॉल्व हो गया? चलो ठीक है। क्या हुआ? दिल्ली पुलिस से फोन था, उन्होंने ना उस गैंग को पकड़ लिया है। सच्ची में? कौन थे वो लोग? अरे जो वो कबीरा थे ना और जो साइबर सेल के थे। हाँ। वो एक ही लोग थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो हुआ क्या है एक्चुअल में? हुआ क्या है, वो जो सिम गिराया था ना वो गैंग वालों ने ही गिराया था, और वो हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे थे। वो हमारी फैमिली की तरह ही और फैमिली को भी टारगेट करते हैं, खुद ही वो सिम गिराते हैं और फिर वो उसी फैमिली के जो बाकी मोबाइल नंबर होते हैं वो ले लेते हैं। बात कर रहे हो? सबके सब पकड़े गए ना? सबके सब पकड़े गए। और जिन्नी अगर देख ले, अगर तू उस फोन से अगर ड्रामे ज्यादा करती तो उन सबके साथ आज तू भी पकड़ी जाती। हाँ पापा अब मुझे सब समझ आने लगा, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ तू तो है ही बहुत समझदार। सच चलो अच्छा है पकड़े गए सारे के सारे ना, मेरी तो जान ही अटकी हुई थी। आपकी जान अटकी हुई थी, मैं साथ अटकी हुई थी, मुझे लगा मैं डॉली के साथ खेल ले पाऊंगी। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई, इसे फिर से डॉली चाहिए। तो फ्रेंड्स
आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।